ko timur mo. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहर। मोदी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने उन्हें रबर स्टाम्प कहा, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें कभी ना बोलने वाली मूर्ति कहा। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की वक्त से ही विपक्ष की ओर से लगातार उन पर इसी तरह से हमला किया गया और यह सिलसिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद भी जारी है। तभी तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर तंज मारा, जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी द्रौपदी मुर्मू के अपमान से कम नहीं था। यह वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया और इस हमले की जिम्मेदारी संभाली बीजेपी की तेज तर्रार मंत्री स्मृति ईरानी ने, जिन्होंने संसद में प्रचंड भाषण देते हुए सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर ले लिया और कह दिया, सोनिया गांधी माफी मांगो। Apologize to the nation. Maafi mango is desh se. Maafi mango Sonia Gandhi adivasiyon se. Maafi mango auraton se. Maafi mango gareeb se. Maafi mango aur sharam karo. Jis aurat ne panchayat se lekar parliament tak samman ke saath is desh ki seva ki. Tumhare purush neta sarak par uska apman karte hain. Maafi mango Sonia Gandhi is desh se. इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर भड़की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस वक्त संसद में कांग्रेसियों पर दहाड़ रही थी और सीधे सोनिया गांधी को निशाने पर ले रही थी, उस वक्त स्मृति ईरानी के पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। लेकिन इसके बावजूद अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने जनता से मिली जिम्मेदारी निभाई और आईसीयू में भर्ती अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल जाने से पहले जनता से मिली जिम्मेदारी को निभाया और संसद में जाकर कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई कर दी। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। दरअसल स्मृति ईरानी के पिता के आईसीयू में भर्ती होने की जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अमित देवगन ने दी। उन्होंने टीवी डिबेट में बताया कि जिस वक्त स्मृति ईरानी संसद में अपने कार्य का निर्वहन कर रही थी, तब उनके परिवार के एक सदस्य उनके पिता अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के चलते
आईसीयू में भर्ती थे और अभी भी हैं। उनका इलाज चल रहा है और वो अपना कार्य करने के लिए सदन में थी, क्योंकि सदन में उन्हें जनता ने भेजा है उस जनता का कार्य करने के लिए। और वो अपने पिता को देखने के लिए आज शाम को गई और इसी बीच उन्हें कहा गया डोंट टॉक टू मी। पत्रकार अमित देवगन ने दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस कथित बयान का जिक्र किया जिसके बारे में मीडिया में खबरें आई कि जब संसद में नारेबाजी हो रही थी तो सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी के पास गई और पूछ रही थी कि सदन में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। रमा देवी और सोनिया के बीच बात हो रही थी कि इसी बीच स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई और कहने लगी, मैम मैंने आपका नाम लिया था। स्मृति ईरानी के इतना कहते ही सोनिया गांधी भड़क गई और उन्हें डांटते हुए कहा डोंट टॉक टू मी। इसके बाद सोनिया और स्मृति के बीच करीब 2-3 मिनट तक तीखी बहस सदन के अंदर ही हुई। इस पूरे मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महिला हमारी सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं हमारे साथ, पार्थिव पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नैने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका। संसद में बीजेपी सांसदों और सोनिया गांधी के बीच हुई इस कथित नोकझोंक के बाद ये मामला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की सफाई के बावजूद बीजेपी इस मामले में सक्रिय नजर आ रही है। शुक्रवार को सुबह ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच गई और कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं का राष्ट्रपति भवन में जाकर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना बता रहा है कि इस मामले में सत्ताधारी बीजेपी इतनी आसानी से कांग्रेस को छोड़ने वाली नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस के नेता के पद से हटाए जाने की मांग भी कर सकती है। बहरहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मैं द्रौपदी मुर्मू सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु वाज सेंट टू द हाईएस्ट office in this country. You sanction the insult of every Indian citizen due to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. Maafi mango is desh se. Maafi mango Sonia Gandhi adivasiyo se. Maafi mango ordo se. Maafi mango gareeb se. माफी मांगो और शर्म करो जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना नेता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय मूल्य विहीन संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।